तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग, ठीक ना। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, पावर फैक्टर को, ठीक है। पावर फैक्टर होता क्या है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? तो पावर फैक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो कि जान लीजिए ये नहीं होगा तो पावर ट्रांसफ़र एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत लॉसेस हो जाएंगी, ठीक है। और लॉसेस होंगी कैसे, उस चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है, इस चीज़ को जान लेंगे तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पावर फैक्टर को जानने से पहले आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अभी नए बच्चे वीडियो पर हमारे आए हैं देखने के लिए, यानी हमारे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोग को सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलता रहे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। आइए देखिए पावर फैक्टर होता क्या है। ये है पावर फैक्टर, यानी हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। तो आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा क्या गया है, किसी लाइन के वोल्टेज सदिश तथा धारा सदिश के बीच के कोण का कोज्यमान शक्ति गुणांक कहलाता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि यह वोल्टेज सदिश हो गया और ये करंट सदिश हो गया, तो दोनों के बीच का जो कोण है इसका कोज्या, कोण हम मान लिए फाई है, तो इसका कोज्या मान क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। यानी कास ये हो गया कोज्या और फाई, यानी कोज्या मान ये हो गया पावर फैक्टर, ये हो गया पावर फैक्टर, यानी कास फाई। कह सकते हैं कि पावर फैक्टर को हम कास फाई से प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक बात है भाई। यानी वोल्टेज तथा करंट के बीच के कोण का कोज्या मान पावर फैक्टर कहलाता है, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक ना। तो आइए इसका नेक्स्ट परिभाषा देखें हम लोग, तो क्या होता है शक्ति गुणांक, क्या होता है इसको समझते हैं। तो कार्यकारी धारा यानी वर्किंग करंट IW, वर्किंग करंट मतलब IW, तथा कुल धारा, कौन धारा, कुल धारा का अनुपात, यानी I का अनुपात क्या कहलाता है, कास फाई कहलाता है, क्या कहलाता है, कास फाई, यानी वर्किंग करंट बटे के टोटल करंट का अनुपात जो होता है पावर फैक्टर कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यही बातें बोली गई है। वर्किंग करंट के बारे में जानते होंगे आप लोग कि देखिए ये क्या होता है, सपोज करिए वोल्टेज है, तो वोल्टेज से क्या होता है कि ये मान लीजिए करंट है, तो करंट में IW यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो IW यहाँ पर है, ये करंट क्या हो गया यहाँ पर आ गया, तो ये टोटल करंट हो गया, ठीक है। और IMU यहाँ पर मान लीजिए है, IMU यहाँ पर है, तो इसका सदिश योग खींचेंगे तो टोटल करंट का मान यहाँ हो गया और IW ये हो गया, तो IW ये और टोटल करंट का अनुपात, टोटल करंट का अनुपात जो होगा यही हमारा कास फाई कहलाएगा, ठीक ना, यही पावर फैक्टर कहलाएगा, यानी ये वाला कोण, ठीक ना, क्लियर बात समझ आई। चलिए तो यहाँ पर आपको समय आ रहा होगा कि दूसरी बातें क्या लिखी गई है कि देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है। दूसरे नेक्स्ट परिभाषा देखिए, मतलब आपकी एग्जाम में आपको एक दो परिभाषा जो भी पता है उसको लिख दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे परिभाषा याद रहे। देखिए आप अच्छे लड़के हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आप तो कुल याद कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेज भी आप एग्ज़ाम में करिएगा कि आपको सारे परिभाषा याद, तो सारे परिभाषा लिखने के चक्कर में आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने आपको हैं, ठीक है। तो ये आवश्यकता अनुसार मैं सारे परिभाषा जितने होते हैं सारे परिभाषा को मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसमें से 2-3 जो भी आपको याद होंगे उसको लिख के आइएगा, ठीक है ना। तो देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, यानी R/Z का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, यानी कास
फाई कहलाता है कि नहीं, बात समझ आ रहा है? तो इतनी बातें, आर बाई जेड का अनुपात जो होता है पावर फैक्टर कहलाता है, क्लियर ना? इसका नेक्स्ट परिभाषा देखिए क्या होता है, सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव पावर, मतलब एक्टिव पावर को किससे दिखाते हैं, के डब्ल्यू से, और तथा आभासी पावर यानी के वी ए से, आभासी पावर के वी ए से का अनुपात यानी के डब्ल्यू और के वी ए का जो अनुपात होता है वह अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और इसे कास्ट फाइस प्रदर्शित करते हैं तो मैं ऊपर ही बता दिया था आप लोग को, ठीक है ना? तो देखिए के डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है, के वी ए इंटू कास्ट फाई, ठीक ना, के वी ए इंटू कास्ट फाई। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि के डब्ल्यू और के वी ए का अनुपात कास फाई कहलाता है, यानी कास फाई का मान निकालेंगे यहाँ से, कास फाई बराबर के डब्ल्यू बटे के वी ए, यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो यही ना सूत्र बनेगा, आपको दिख रहा होगा। तो के डब्ल्यू बटे के वी आर, तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर बराबर होता है एक्टिव पावर बटे के आभासी, मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर, सॉरी अपरेंट पावर, बस भाई ये होता है, क्लियर है ना? तो ये देखिए पावर भी आपको सबको पता है कि पावर तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। तो वही सब के मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है एक्टिव पावर, हाँ, और रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, यही हमारा है, ठीक ना? ये होती है आभासी शक्ति, ये होती है एक्टिव पावर होती है, और ये होती है रिएक्टिव पावर, ठीक ना? क्लियर बस भाई? अब देखिए ये तो हो गया परिभाषा, अभी तक हम लोग देखे परिभाषा यानी पावर फैक्टर का परिभाषा क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जाने, हाँ, इसमें हम तीन चार परिभाषा के बारे में देखे, एक परिभाषा ये हो गया, दो तीन चार, चार परिभाषा देखे, चार परिभाषा में से आपको दो भी अभी तक याद हो गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग, यदि मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं तो आप सीधे बोलेंगे क्या, साथ साथ बोल सकते हैं, बोलिए, कास फाई से, ठीक, गुड। अब देखिए हम लोग देखते हैं शक्ति गुणांक के कारण, शक्ति गुणांक के कारण, अब देखते हैं शक्ति गुणांक के कारण क्या है। तो देखिए शक्ति गुणांक का जो कारण होता है हमारे पावर फैक्टर पर क्या होता है, बहुत जो शक्ति गुणांक जो होता है, यहाँ लिखा शक्ति गुणांक का हमारे पावर सिस्टम पर बहुत महत्व है, पावर सिस्टम को पर मैं पर देखिए जो शक्ति गुणांक जो होता है वह हमारे पावर सिस्टम के लिए बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना? जिसके कम होने का निम्न कारण है, ठीक ना, जिसके कम होने का निम्न कारण है, देखिए हमारे पावर सिस्टम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किसके कारण से कम होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर, क्या दिखा होगा, ट्रांसफार्मर, यानी शक्ति गुणांक किसके कारण से कम होती है, सबसे पहला आपको नज़र आया ट्रांसफार्मर, यानी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं भी ट्रांसफार्मर लगा है तो समझिए कि वह पावर फैक्टर को हमारे कम कर रहा है, क्लियर बात में आई? तो अब ये मत करिएगा कि आप उसको उठा मतलब कबार के फेंकना शुरू कर दीजिए, तोड़ फोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि पावर सिस्टम हमारे पावर सिस्टम के जो पावर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, भाई ऐसा मत करिएगा, ठीक है? लेकिन पावर फैक्टर को कम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर को कम करता है, लेकिन कितना कम करता है ये देखिए 0.5 से लेकर के 0.7 तक ये पावर फैक्टर को रखता है अपने पास, ठीक ना? लोड कंडीशन में नो लोड कंडीशन में 0.5, जब लोड पड़ता है तो 7-8 तक पहुंच जाता है, 0.8 तक पहुंच जाता है ये, ठीक है? क्लियर बात समझ आई? तो पावर फैक्टर 0.5 से 0.7 आप लिख दीजिएगा, या 0.8 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात समझ आई? अब देखिए ध्यान से इसके बारे में देखिए क्या है, विद्युत सब स्टेशन पर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा आई म्यू, अभी ऊपर में बताया, निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण होता है, जो चुंबकन धारा आई म्यू के अधिक होने से होता है, इसी कारण से शक्ति गुणांक क्या होता है, घट जाता है, शक्ति गुणांक मतलब क्या, पावर फैक्टर घट जाता है,
यानी देखिए आई म्यू के अधिक होने के कारण, आई म्यू मतलब क्या चुंबकन धारा, आई म्यू के अधिक होने के कारण क्या होता है कि शक्ति गुणांक क्या होता है घटता है। तो आई म्यू चुंबकन धारा है, तो चुंबकन धारा के बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो देखिए चुंबकन धारा क्या होता है, ये होता है वोल्टेज, ठीक है ना, ये होता है वोल्टेज और ये होता है करंट, ये होता है करंट। तो देखिए इसे चुंबकन धारा जो होगा वो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी पर डिपेंड करता है। यदि नॉर्मली हम केवल प्राइमरी के लिए बात करें तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हम यदि हम कर दे नो लोड कंडीशन में आई म्यू कर दे तो यही हमारी देखिए चुंबकन धारा और ये होता है एक्टिव करंट, ठीक है ना, यानी वर्किंग धारा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर इसका परिणामी मिला दे तो आएगा आई, यानी देखिए होना चाहिए था करंट, ये इतना करंट होना चाहिए था, लेकिन चुंबकन धारा के कारण क्या हो गया ये समझने की कोशिश करिए। चुंबकन धारा के कारण हुआ क्या कि ये एंगल बन गया, ये एंगल बनने के कारण ये आप देखिए यहाँ पर ये एंगल बन गया, यही एंगल यानी कास फाई का मान बढ़ गया, यानी फाई का मान बढ़ा तो फाई का मान बढ़ने के कारण जो होता है इसका मान कम रहता है। देखिए कास जीरो रंस रहेगा यानी ये इसमें सटा रहेगा, ये इसी में रहेगा तो ठीक है, ये इसी में रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन देखिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला करंट जो है यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए यहाँ पहुँच गया, कुछ एंगल चला गया है, बढ़ गया है, यानी जीरो होता तो कास जीरो अंश का मान वन होता कि नहीं होता, लेकिन उस कंडीशन में देखिए जब ये बढ़ गया तो बढ़ने कंडीशन में सपोज करिए 30 अंश भी बढ़ गया होगा तो फाई का मान 30 अंश, तो 30 अंश तो कास 30 अंश का मान कितना हो गया √3/2, ये ना हुआ √3/2। अब देखिए तो इसका मान क्या हुआ, एक से कम हो गया कि नहीं हो गया, ये एक से कम होगा नहीं, और यदि मान ली सपोज करिए कि 45 हो गया तब तो 45 कंडीशन में कितना हो गया, तो कास 45 का मान 1/√2, ये तो और कम हो गया। तो देख रहे ना जितना पावर फैक्टर का, यदि ये एंगल यानी फाई का मान, यानी समझ सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल का मान ये बढ़ता जाए तो पावर फैक्टर का मान घटता चला जा रहा है, यदि वो जीरो हो जाए तो पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा, यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक ना। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश तो कर ही चुके होंगे, तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबकन धारा क्या होती है, चुंबकन धारा के बढ़ने के कारण पावर फैक्टर का मान कम हुआ था कि नहीं हुआ था ना, ये क्लियर है। तो अब समझते हैं आगे, अब किसके कारण से भाई साहब पावर फैक्टर कम हो जाता है, तो ये देखिए इंडक्शन मोटर के कारण चुंबकन धारा पावर फैक्टर का मान भी कम हो जाता है। क्यों, देखिए इसका पहले कितना होता है इसको समझ लेते हैं। तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, कितना होता है 0.8 से कम ही होता है, अधिक नहीं होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। इसमें चुंबकन धारा बहुत अधिक होती है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप में क्या है इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम देखिए क्या है पट्टा चालन में इंडक्शन मोटर का यूज कर लेते हैं। यदि हमको क्या करना है कि यदि कोयला को भी हमको लेके जाना है या तो पेपर मिल है तो उसमें, तो सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखिए देखा जाए तो इंडक्शन मोटर का यूज होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि पावर फैक्टर को कम करेगा कि नहीं करेगा, तो पावर फैक्टर को कम करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो इंडक्शन मोटर होता है वह एक प्रकार का रोटरी ट्रांसफार्मर होता है, यानी उसकी प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है फिक्स होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग रोटेट करती है, ठीक है। तो अर्थात उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति गुणक का मान क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं, क्लियर बात बाबा समय। जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर के कारण कम हुआ था क्योंकि उसमें क्या करंट का मान जो चुंबकन धारा का मान अधिक हो रहा था इसलिए पावर फैक्टर का मान कम हो रहा था, तो इसमें भी वही रीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट भाई और किसके कारण से कम हो सकता है, तो वैद्युत भट्टियों के कारण यानी इलेक्ट्रिक फर्नेस के कारण ये चीज़ें कम हो सकती है, और कितना कम होगा
ये कितना कम होता है, 0.6 से 0.8 तक होता है, 0.6 से 0.8 तक होता है। और देखिए पावर फैक्टर अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अधिकतम कितना रखते हैं पावर फैक्टर को, 1, 1 से ऊपर नहीं रखते हैं, न होता ही नहीं है, ठीक है ना, बात समझ ना। तो पावर फैक्टर को हमेशा हम 1 ही रखेंगे, और 1 में से ये देखिए 0.4 यहाँ कम हो गया, 0.6 मतलब 0.2, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई पावर फैक्टर यहाँ पर कम हो गया है, 1 से कम हो गया मतलब ये पावर फैक्टर यहाँ पर कम है, ठीक ना। किसके कारण से, इलेक्ट्रिक फर्नेस के कारण, इलेक्ट्रिक फर्नेस के कारण। तो औद्योगिक क्षेत्रों में धातुओं को पिघलाने या वस्तुओं को सुखाने के लिए प्रेरण भट्टियाँ प्रयोग में क्या करती हैं, सर्वाधिक लाते हैं, जिसके कारण से निम्न शक्ति गुणक हो जाता है, ठीक ना भाई। देखिए जो होता है विद्युत भट्टियाँ जो होती है वह इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस के कारण, इंडक्शन नाम समय में आया होगा, तो वहाँ से इंडक्शन से यही क्लियर हो गया कि भाई जहाँ पर इंडक्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, आपके साथ पावर फैक्टर का कमी जरूर होगी। ये मतलब एक ट्रिक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पर इंडक्शन का नाम आ गया वहाँ पर पावर फैक्टर कम होगा, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम जगह यही मिलेंगे, अभी तक डिप्लोमा में जितना पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जगह तो आपको यही मिलेंगे, जहाँ प्रेरण मोटर हुआ, जहाँ पर प्रेरण की घटना घटी वहाँ पर पावर फैक्टर कम होगा, क्लियर। अब देखिए तो ये बातें तो समझ आ चुकी होगी, अब देखते हैं कि किसके कारण से ये पावर फैक्टर कम हो सकता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथा पॉइंट, लैंप के कारण। और लैंप का जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है, 0.3 से 0.6 होता है। तो देखिए देखा जाए तो लैंप का पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.3 से 0.6 बहुत कम होता है, यानी सबसे कम किसका होता है, ये जो आर्क लैंप होता है ना, आर्क लैंप का जो शक्ति गुणक होता है ये 0.3 से 0.5 होता है। यानी जहाँ पर आर्क, यानी जो भी लाइन से आर्क उत्पन्न हो जहाँ पर करते हैं वहाँ पर पावर फैक्टर का मान बहुत कम होता है, जैसे बिल्डिंग के कार्यों में, ठीक है, बिल्डिंग के कार्यों में वहाँ पर पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है, क्लियर बात में ना। तो अभी हम पढ़ लेंगे आगे, देखिए यहाँ पर आपको अगली हेडिंग दिख भी रही है कि बिल्डिंग के कारण भी पावर फैक्टर का मान कम होता है, यानी जो लैंप होता है आर्क लैंप होता है ना, आप पढ़े होंगे, तो आर्क लैंप के कारण पावर फैक्टर का मान भी कम होता है, ठीक ना। शक्ति गुणक का मुख्य कारण आर्क लैंप भी होता है, तो शक्ति गुणक बहुत कम हो जाता है, जिसके अलावा देखिए और क्या कौन कौन शक्ति, देखिए आर्क लैंप के अलावा कौन कौन है, प्रतिदीप्ति लैंप जिसका पावर फैक्टर 0.4 से 0.6 होता है, और पारद लैंप का 0.4 से 0.5 होता है, सोडियम लैंप का 0.4 से 0.6 होता है, नियान लैंप 0.4 से 0.5 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा कि हर लैंप जो है उसका पावर फैक्टर अलग अलग है हर कंडीशन में, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तीसरी चीज़ें देखा जाए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और किसके कारण से पावर फैक्टर कम हो सकता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्डिंग के कारण, जब हम बिल्डिंग करते हैं तो पावर फैक्टर का मान कम होता है, ठीक ना। तो विद्युत बिल्डिंग में बिल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर आ गया तो मतलब पावर फैक्टर को जाहिर सी बात है कम करेगा, क्लियर बात समझ आई आपको। दो बातें आपको समझ में आई होगी, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर यूज हुआ होगा और जहाँ जहाँ इंडक्शन शब्द यूज हुआ होगा उसमें जरूर के जरूर आप पावर फैक्टर को काप के कम करेगा ही करेगा, क्लियर बात समझ आई। देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा जल्दी से इसको याद कर पाएँ, ठीक ना। तो देखिए यदि रटना हो तो भाई आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप रट भी सकते हैं, ठीक ना, क्लियर बात समझ आई। तो यदि आइडिया और ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं, तो देखिए बिल्डिंग में यदि आर्क बिल्डिंग करते हैं, आर्क बिल्डिंग होती है तो उसका पावर फैक्टर 0.3 से 0.5, देखिए आर्क शब्द आया था है 0.3 से 0.5, याद कर लीजिए एकदम, आर्क लैंप था तो उसमें 0.3 से 0.5, आर्क बिल्डिंग था 0.3 से 0.5, ठीक ना। और प्रतिरोध बिल्डिंग में कितना होता है, 0.7 से कम होता है, 0.7 से
कम होता है। क्लियर बात समझ आई? ये तो हुआ वेल्डिंग की बात है। क्लियर है ना? अब देखते हैं, ये देखिए मतलब इन सभी चीज़ों के कारण हमारा जो होता है पावर फैक्टर कम होता है। जितना चीज़ें अभी आप पढ़े, इन सभी चीज़ों के कारण पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, यदि आपको और कोई भी उपकरण याद होगा तो उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं जितना लिखवा दिया हूँ उतना ही आप लिखिए। आप देखिए, मैं उतना ही कंटेंट लिखवाया हूँ जितना कि आपके एग्जाम व्यू के आधार पर आप सारे क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। बस उतना ही उतने नॉर्मल चीज़ें में लिखवाया हूँ कि यह सारे क्वेश्चन को अटेंड कर ले, जिससे कि सारे क्वेश्चन पर आपको नंबर मिले। ठीक है ना? तो इसलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट लेकर के आया हूँ, और कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग का है, निम्न शक्ति गुणक के प्रभाव। यानी शक्ति गुणक कम हो गया तो बताइए क्या दिक्कत हो गया? आप कहेंगे ना, दिक्कत क्या हो गया? कम हो गया क्या दिक्कत है? जाने दीजिए, आप फालतू परेशान हैं। तो इससे अच्छा कि हम लोग पहले समझ ले कि हम परेशान हैं कि और कोई परेशान है। तो देख सकते हैं हम लोग कि निम्न शक्ति गुणक के प्रभाव, यानी निम्न शक्ति गुणक कम हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। देखिए, निम्न प्रभाव पड़ता है तो यहाँ देखिए, पहला कंडीशन ये समझिए कि निम्न शक्ति गुणक हो गया तो वैद्युत शक्ति तथा वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज होता जो पावर स्थिर वोल्टेज पर पावर फैक्टर के घटने से संपूर्ण इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम तथा संयुक्त विद्युत मशीन उपकरण उपस्कर धारा में धारा का मान बढ़ जाता है। ये देखिए बढ़ता कैसे है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपको मैं एक चीज़ बताया था, देखिए ये है पावर, ये है वोल्टेज, ये है पावर और ये है वोल्टेज। तो समझने की कोशिश करिए कि आप P बराबर सूत्र देखे होंगे, P बराबर वी आई कास फाई, नाम सुने होंगे, ये सूत्र देखे होंगे। तो यही तो हमारा पावर फैक्टर है, यही तो पावर फैक्टर है। यदि कास फाई का मान निकाले यहाँ से हम, तो कास फाई बराबर हो जाएगा P बटे के वी आई। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यदि P को हम क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, P को क्या कर दे हम, कांस्टेंट कर दे, और V को भी हम कांस्टेंट कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा होगा कि कास फाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आई, यही तो होगा ना। यानी देखिए यहाँ पर कास फाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आई, यही तो आपको देखने को दिखा। तो अब ध्यान समझिएगा, यदि I का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए I बराबर, यानी इसको यहाँ भेज दीजिए, तो वन बटे के कास फाई होगा ना। तो कास फाई का मान, बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर आप लोग, तो कास फाई का मान देखिए, निम्न शक्ति गुणक, यहाँ पर नाम पढ़े हैं निम्न शक्ति गुणक, यानी शक्ति गुणक का मान कम है, यानी कास फाई का मान कम है, तो जाहिर सी बात है कि करंट का मान अधिक होगा। करंट का मान अधिक होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ कोई बढ़ता है तो उसका प्रोपोर्शनल भी जो होता है वो क्या, वो घट जाता है, और यदि ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा, यही बात ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ तो घट रही है ना, ये चीज़ घट रही है तो ये बढ़ जाएगा। क्लियर बात में आई? तो यहाँ देखिए, पावर फैक्टर के कम होने के कारण करंट का मान, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो ये इंक्रीज हो गया ना। तो यही बातें की गई है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर यदि करंट का मान इंक्रीज हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम और खड़ा होगा, देखिए जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है तो करंट का मान बढ़ गया, तो करंट का मान बढ़ने के कारण जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर, यानी लॉसेस बढ़ जाएगी। अब आई है, आई बढ़ा है, अब वोल्टेज देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है, ये देखिए वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज ड्राप भी आई, वोल्टेज ड्राप बढ़ जाएगा, है कि नहीं, वोल्टेज ड्राप बढ़ेगा। अब देखिए आई स्क्वायर आर लॉसेस होगी, तो वो वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, जब हीट उत्पन्न होगी तो लाइन में क्या होगी, वो लाइन टूट करके गिर भी सकता है, गर्म होने के कारण स्पार्किंग भी हो सकती है, और ढेर सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, है कि नहीं।
तो करंट का मान कैसे बढ़ा, ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर यही दिखाया गया है यहाँ पर कि धारा, धारा का मान जो होता है शक्ति गुणक के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अभी जो मैं ऊपर समझाया अभी ना, वो तो मैं समझा चुका हूँ। तो देखिए ध्यान से वही चीज़ें, ये हमारे व्युत्क्रम अनुपाती, ये कम होगा तो ये अधिक हो जाएगा, यहाँ पे एक कम हुआ था इसलिए अधिक हो गया था, है कि नहीं। वही चीज़ मैं ऊपर जो समझाया वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, आपको दिख रहा होगा किलो वोल्ट एम्पियर निर्धारण, यानी के वी ए निर्धारण, के वी ए रेटिंग, के वी ए रेटिंग के बारे में समझते हैं। के वी ए रेटिंग के से क्या दिक्कत हो रही है भाई हमको, उसको समझ लेते हैं। तो के वी ए रेटिंग में समझिएगा क्या दिया यहाँ पर, के डब्लू निर्धारण, यानी किलो वोल्ट, हाँ किलो वोल्ट निर्धारण का मान कास फाई के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है सर, यहाँ पर के भी ए लिख दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सॉरी आप लोग लिख लीजिएगा इसको के भी ए, के भी ए निर्धारण का मान कास फाई के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जिसके कारण कास फाई निम्न होने के कारण आभासी शक्ति का मान बढ़ जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यदि देखिए यहाँ से इसका मान यदि आप कम हो गया तो इसका मान आपका बढ़ जाएगा, यानी आभासी शक्ति का मान बढ़ जाएगा, यानी ये जो शक्ति है जिसका आभास नहीं करते हैं वो हमारा क्या फालतू चला जाता है, जिसका कोई यूज हम नहीं कर पाते हैं तो वो निकल जाता है। तो उस हिसाब से देखे तो उस शक्ति का मान, आभासी शक्ति का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपरेंट का पावर का मान बढ़ रहा है, जिसके कारण दिक्कत वहाँ होगी। यानी बढ़ना क्या चाहिए था, एक्टिव पावर बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्टिव पावर न बढ़ करके ये आभासी शक्ति बढ़ गई आपकी, ठीक है ना, यही बातें कही गई है, क्लियर बात समझ। तो इसे मतलब हमेशा जब भी देखा करिए, ये हमेशा ये नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है केवीए में करते हैं। ट्रांसफार्मर ही हमको तो प्रॉब्लम खड़ा किया था स्टार्टिंग में, आप देखे थे तो केवीए, जहाँ केवीए आएगा वो प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा पावर फैक्टर के लिए, ठीक है ना। यानी केवीए का मान यदि बढ़ रहा है तो कास्फाई का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बात समझ रखिए, ये सूत्र से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए किलो वाट घंटा का निर्धारण, तो किलो वाट घंटा का निर्धारण में समझते हैं। देखिए स्थिर, यानी ये स्थिर किलो वोल्ट एम्पियर, यानी स्थिर के वी ए पर शक्ति गुणांक घटने से मतलब किलो वाट का मान भी घटता है कि नहीं। देखिए यदि कास फाई का मान कम हुआ तो देखिए इसका मतलब कास फाई का मान कम होगा तो किलो वाट का मान भी कम होगा। ये तो प्रोपोर्शनल में ना। यदि देखिए प्रोपोर्शनल कैसे होगा, मैं आप परिभाषा में ही लिखे हैं कि ये स्थिर है, के वी ए को स्थिर कर दिए, यानी इसको हम स्थिर कर दिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, स्थिर हो गया तो कांस्टेंट, यानी यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह, यानी के डब्ल्यू बराबर प्रोपोर्शनल टू कास फाई, यानी कास फाई का मान कम हुआ तो के डब्ल्यू का मान भी कम हो जाएगा, ठीक ना। प्रोपोर्शनल में कोई चीज़ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यदि घटेगा तो ये घटेगा, क्लियर बात समझ रहे ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, वो उल्टा होता है, इसमें सीधा सीधा होता है, क्लियर बात समझ आ चुकी होगी। यानी पावर फैक्टर के कम होने के कारण एक्टिव पावर का मान कम हो जाता है, क्लियर बात समझ समय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या है कि चालकों की साइज यदि पावर फैक्टर कम हो गया तो उस कंडीशन में आप लोग को पता है कि करंट का मान बढ़ गया था, है कि नहीं। यहाँ से आप लोग देखिए पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है तो करंट का मान बढ़ जाता है, जब करंट का मान अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमको कंडक्टर को मोटा करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि कंडक्टर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। यानी पावर फैक्टर यदि कम हम यूज करेंगे तो करंट का मान वहाँ पर ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगा, और करंट का मान ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगा तो हम वहाँ पर जो कंडक्टर प्रयोग करेंगे, हम मोटा कंडक्टर प्रयोग करेंगे। यही बातें देखिए लिखी गई, साथ साथ मोटे कंडक्टर का प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ है कि नहीं। तो कंडक्टर का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो यही बातें इसमें लिखी गई है, क्लियर बात समझिए। और क्या होगा भाई, कंडक्टर की साइज बढ़ जाएगी यानी मोटा हो जाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा, यह भारी भी हो जाएगा, यहाँ लिखा गया है भाई भारी हुआ तो मूल्य भी बढ़ जाएगा, यही तो बातें हैं।
तो कह सकते हैं इसके मतलब एक शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, यदि पावर फैक्टर कम हुआ, इस ये ट्रिक समझिएगा, हाँ इस ये ट्रिक समझिएगा कि कास फाई का मान कम होगा तो जाहिर सी बात है कि करंट का मान अधिक होगा। अभी मैं ऊपर सूत्र से बताया था, यहाँ से ये देखिए ये कम हुआ तो ये अधिक होगा, ठीक ना। और फिर जब ये अधिक हो जाएगा तो कंडक्टर की साइज अभी आप देखिए कि बढ़ जाएगी, यानी मोटर कंडक्टर प्रयोग करना पड़ेगा और है कि नहीं, तो कंडक्टर की साइज बढ़ेगी, और जब कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाएगा, कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाएगा, और कंडक्टर का वेट बढ़ेगा और यहाँ पर देखिए क्या होगा, करंट के बढ़ने के कारण के भी रेटिंग भी बढ़ जा रही है, के भी रेटिंग बढ़ने के कारण, और देखिए यहाँ पर हाँ इसको भूल जाइए, हटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए कि वेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा वेट बढ़ जाएगा, और जब वेट बढ़ेगा तो भैया तो पैसा तो उसका दाम तो बढ़बे करेगा, कोई चीज़ तो किलो के हिसाब से आ रहा है तो भाई उसका तो वेट बढ़ेगा तो पैसा का दाम तो बढ़बे करेगा उसका ना, है कि नहीं। तो ये बातें दोस्तों समझ में आ चुकी होगी, ट्रिक याद करिएगा, पावर फैक्टर घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा तो कंडक्टर की साइज बढ़ेगी, कंडक्टर की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर उसका वेट बढ़ेगा, और उसका वेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का खर्चा बढ़ जाएगा। तो भैया आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का खर्चा बढ़ जाए, आपका बिल 2 रुपया 5 रुपया आना शुरू हो जाए, कोई नहीं चाहता है, ठीक ना। तो इसलिए पावर फैक्टर को कुल मिलाकर के हमको कम नहीं अधिक रखना पड़ेगा, जिससे ये लास्ट में हमारे पास जो बिल आती है वो कम से कम आए, है कि नहीं। तो अभी इसके बारे में वही बताते हैं आप लोग को, तो ये बातें समझ आई, ये ट्रिक समझ आया आप लोग को, ठीक ना। इस प्रकार से आप याद करेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं, ये आप बना के लिखिएगा, जैसे जैसे मैं बना के बताया आपको इस प्रकार से आप लिखिए, कभी कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है करते भी होंगे, बहुत बहुत ढेर सारे लोग करते होंगे इस ट्रिक का इस्तेमाल, जो नहीं करते हैं वो करिए आप लोग भी, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, वैद्युत पदार्थ की हानियाँ। भाई जानते हैं जब करंट का मान बढ़ेगा तो मैं ऊपर ही बताया था I²R लॉसेज बढ़ जाएगी, I²R लॉसेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये उसी के बारे में लिखा गया है, यानी पावर फैक्टर के घटने के कारण करंट का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन एंड वितरण लाइन में लॉसेज का मान बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये क्या हुआ, कम हुआ, कम होने के कारण ये करंट का मान बढ़ गया, करंट का मान बढ़े तो लॉसेज का मान बढ़ जाएगा, यही बातें कही गई है, ठीक ना। देखिए सिंपल मैं शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक ना। आप मैं जो खाली ये मैं समझा रहा हूँ इसे समझ लेंगे तब भी आप लोग लिख लेंगे, बस हेडिंग याद रखिएगा कि कौन कौन हेडिंग हो सकता है। तो मैं एक ट्रिक में बता दूंगा कि क्या क्या हेडिंग हो सकती है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। वीडियो देखते रहिए, लास्ट में आपको मैं इस चीज़ का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग को पूरे हेडिंग को याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए अब क्या अगली हेडिंग है, दक्षता, यानी उसकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी निम्न पावर फैक्टर हो गया तो उस कंडीशन में लॉसेस बढ़ जाएगी, जब लॉसेस बढ़ेगी तो उसकी दक्षता क्या होगी, घट जाएगी। भाई लॉसेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ कम हो जाता है, मतलब उसका आउटपुट कम हो जाता है, यानी उसकी दक्षता या क्षमता कह सकते हैं कम हो जाएगी, ठीक है न। तो यही चीज़ बातें कही गई है, ये क्लियर है, ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। इफिशेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर उल्टा हो गया क्या, इफिशेंसी ये देखिए आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये देखिए क्या होगा, इफिशेंसी बराबर हाँ इफिशेंसी बराबर मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लॉसेस होगा फिर प्रोपोर्शनल टू कास फाई होगा, क्या होगा, कास फाई कम होगा तो लॉसेस इफिशेंसी भी डायरेक्ट हमारी कम हो जाएगी। नया फिर देखे देखा जाए, ये कम होगा तो ये अधिक होगी तो ये कम हो जाएगा, आई बात समझ में, ये होगा, इसको आप मत लिखिएगा, थोड़ा सा आप इसको संशोधन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसी को संशोधन करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर बात भाई ना। तो आप लोग देखिए नोट्स तो नोट्स साथ साथ बनाया करिए, ठीक है ना, जिससे आप लोग का अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोल्टेज ड्राप बढ़ जाएगा, आई का मान बढ़ा, इसमें आप जेड का गुणा
आर का गुणा कर दीजिए, ड्रॉप क्या होगा बढ़ जाएगा। यदि आई है उसके साथ यदि एसी करंट है तो यहाँ पर जेड का गुणा कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, क्लियर बात है ना, लो पावर फैक्टर होने के कारण। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, यानी ये कम हुआ तो क्या होगा, ये अधिक होगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगी, ये ड्रॉप क्या होगी बढ़ जाएगी, क्लियर है समय। तो भाई देखिए वोल्टेज ड्रॉप जब अधिक हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है, यही बात है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है, क्लियर बात समझ चुकी होगी। ये था आप लोग का निम्न शक्ति गुणक के कार, मतलब क्या, मतलब घटा जो कह सकते हैं हानि, है ना, ये था निम्न, मतलब निम्न शक्ति गुणक हुआ तो ये सब परेशानियाँ हो सकती है, ये सब प्रभाव हो सकते हैं, हानि कहिए तो ये सब हानियाँ हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है तो यदि ये सब हुआ तो दिक्कत होगा, तो इसको दूर करने की हम लोग विधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक मतलब उच्च शक्ति गुणक के लाभ पढ़ लेते हैं, यदि अधिक होगा तो फिर क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि पावर फैक्टर अधिक हुआ तो क्या होगा कि पावर जो प्राइम मूवर होगा उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा और लॉसेस कम हो जाएगी, लॉसेस क्या होगी कम हो जाएगी। ये देखिए अब मतलब मैं सूत्र से बताऊं कि आप देखिए करंट प्रोपोर्शनल टू वन बटे के कास फाई था ना, तो कास फाई का मान था, तो इसका मान आप बढ़ेगा तो इसका मान तो घटेगा ना, जब इसका मान घटेगा तो जाहिर सी बात है कि लॉसेस क्या होगी घट जाएगी, यानी आई स्क्वायर लॉसेस कम हो जाएगी इसके आई के मान कम होने के कारण। तो वही बातें की गई है, यानी पावर फैक्टर अधिक हुआ तो लॉसेस कम हो जाएगी, क्लियर भाई। और क्या होगा, यंत्र उपस्कर उपकरण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी और अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, क्लियर बात में आई, ये बातें हो शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, स्थिर केवीए पर, यानी केवीए को कांस्टेंट कर दे तो उस कंडीशन में ये बढ़ेगा तो एक्टिव पावर का मान बढ़ जाएगा, एक्टिव पावर का मान क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी जनरेटर की क्षमता बढ़ जाएगी, एक्टिव पावर बढ़ाया जनरेटर की क्षमता बढ़ गई, पास में आई। अब देखिए स्थिर केवीए पर ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट यानी एक्टिव पावर की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, यानी उसकी एक्टिव पावर मतलब एक्टिव पावर देने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक ना। और क्या है, स्थिर केवीए पर ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक ना। देखिए इसमें कुछ क्षमता दक्षता सब बढ़ने की कंडीशन में है, सब बढ़ेगा जो उसमें से। अब देख एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि जो ऊपर अभी आप हानि में किए थे उसी का जस्ट उल्टा करके आप लिखते चले जाइए कि जो उसमें क्या घट जा रहा था, तो अब यदि लाभ लिख रहे हैं तो उसके बाद लीजिएगा उसमें बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, जो उसमें घटा था इसमें बढ़ जाएगा, अब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। और देखिए वोल्टेज ड्रॉप उसमें कम हुआ था तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ था, अधिक हुआ था तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप यदि कम होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप देखिए कम हुआ तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, बढ़ जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, है कि नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रति यूनिट इकाई मतलब प्रति इकाई किलोवाट ऊर्जा का मूल्य भी जो होगा वो कम हो जाएगा, अभी मैं बताया था ऊपर, है ना, क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को, ड्राप आपके पास कम, ड्राप आपके सिस्टम में कम हुआ तो आपके पास अधिक से अधिक लाइन जाएंगी, यानी अधिक से अधिक विद्युत शक्ति जाएगी जिसका आप अधिक से अधिक यूज करेंगे, आप जो बीच में खर्चा होगा जो ड्राप हो रहा था उसका पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जो उसका पैसा पे नहीं करना पड़ेगा यानी कह सकते हैं कि उसका मूल्य आपके पास कम आएगा, यानी कम बिल आएगी आई वर्ष में। तो ये सारी चीज़ें होते हैं उच्च शक्ति गुणक के लाभ, क्लियर बात भाई। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शक्ति गुणक संशोधन हाँ कैसे कर सकते हैं और उनकी विधियाँ, ठीक है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।